ये फिप्स है। दूसरी गिलहरियों की तरह वो बादाम अखरोट को ऊपर से देखकर ही जान लेता है कि वे अच्छे हैं या खराब। इसमें वह एक्सपर्ट है। ये भी बादाम अखरोट के एक्सपर्ट हैं। नाम है प्रोफेसर मिशाइल क्लाई। बादाम अखरोट हमारी गंभीर बीमारियों से रक्षा कर सकते हैं। इससे ब्लड शुगर और लिपिड मेटाबॉलिज्म के पैरामीटर पर असर होता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज के अलावा दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम कम होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बादाम का सेवन जान जाने के जोखिम को कम करता है। यानी कि बादाम अखरोट हमारी उम्र को बढ़ाते हैं, लेकिन ये कैसे होता है? इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। म्यूनिक मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी अखरोट पर की गई है। स्टडी में भाग लेने वाले एक व्यक्ति हैं डीटर गैर्शविट्स। 8 हफ्तों तक उन्होंने हर दिन एक पैकेट अखरोट खाया, एक मुट्ठी यानी 43 ग्राम। 8 हफ्ते तक हर दिन अखरोट का सेवन और उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन के लिए 8 हफ्ते तक कोई बादाम अखरोट नहीं, हर दिन बराबर कैलोरी का सेवन। अखरोट खाने से पहले और उसके बाद उन्होंने अपनी मेडिकल जांच करवाई। मेडिकल जांच के नतीजे ने उन्हें हैरान कर दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नियमित रूप से अखरोट खाने पर ऐसा नतीजा हो सकता है। अखरोट का सबसे अहम असर खून में मौजूद वसा पर था। खराब कोलेस्ट्रॉल समझे जाने वाले LDL में अखरोट की वजह से 7% की कमी आई। और शायद यही कारण है कि नियमित रूप से बादाम अखरोट खाने वाले मरीजों को दिल का दौरा कम पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों के मामले में बेहद अहम भूमिका निभाता है। क्लाउस गैर्शविट्स उसके बाद से बादाम अखरोट के फैन हो गए हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि इससे उनका वजन भी कम हुआ है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि आमतौर पर बादाम अखरोट को कैलोरी बम समझा जाता है। अखरोट में 65% फैट और 15% प्रोटीन होता है। ये जानकारी भी ऐसी है कि पोषण वैज्ञानिकों को जिसका जवाब खोजना है। इस बात के लगातार सबूत मिल रहे हैं कि बादाम अखरोट नियमित रूप से खाने पर शरीर का वजन कम करने में मदद मिलती है। अहम शर्त यह है कि बादाम अखरोट सामान्य खाने के अलावा नहीं, बल्कि उसे कम कर लिया जाए। वजन पर हुआ सकारात्मक असर इस वजह से भी हो सकता है कि बादाम अखरोट खाते समय हम उसे तोड़ते भर हैं, उसे चबाकर बहुत महीन नहीं करते। शायद बादाम अखरोट के टुकड़े पेट में पूरी तरह पचते नहीं है।